ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, केजरीवाल को जेल में डाल दिया। आखिर और लोगों के पीछे क्यों नहीं लग रही है? जो खाएंगे आग तो हंगेंगे अंगारे ना। यस, जो गुड़ खाएगा वही ना कान छिदवाएगा। हमें तो लूटा है अपनों ने, गेरों में कहा दम था। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, अखंड भारत क्या पूरे संसार में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। कांग्रेस वालों का झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा पूरे भारत में। आज तो भीड़ थी पूरे रैली में कांग्रेस। अरे उनको पैसे नहीं दिए तभी तो अखिलेश की रैली के अंदर पत्थर फेंक रहे थे। कोई एक मुखिया होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, कोई एक मुखिया, एक अकेला मोदी शेर खड़ा है। कहाँ गए जिनका गठबंधन? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। भैंस चराने हो जाए, भैंस चराने हो जाए, हाँ हो जाए अमेरिका। हाँ क्यों क्यों करेंगे, क्या रह के करेंगे क्या इन लोग? सद्दाम 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 कहाँ से हैं? बनारस से हैं। सद्दाम भाई किसकी सरकार बना रहे हैं? बनारस वाले, बनारस वाले भाजपा। भाजपा मुस्लिम भाई हो आप और भाजपा के साथ क्यों? सरकार बन रही उसी की। क्यों बन रही है? 800 बार 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 बीजेपी सरकार, 800 बार आजीवन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्यों, क्या कर दिया ऐसा कि आजीवन जिंदाबाद? हमारे राष्ट्रवाद को, आत्मसम्मान को और जन्मों जन्मांतरों का सब सबका उद्धार हो गया, और कांग्रेस का तो विनाश तय है। रुक तो जाइए, कांग्रेस वाले तो उम्मीद में बैठे हैं कि वोट देंगे। कांग्रेस वाला झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा कांग्रेस वालों का, कांग्रेस वालों का झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा पूरे भारत में। आज तो भीड़ थी पूरे रैली में कांग्रेस। अरे उनको पैसे नहीं दिए तभी तो अखिलेश की रैली के अंदर पत्थर फेंक रहे थे। कैसे पता आपको? कैसे पता कि? अरे भाई साहब वो हमें मालूम है, जो 300-300 रुपए में लेके आते हैं उनको पैसे नहीं देंगे तो मंच पे ही चढ़ेंगे और क्या करेंगे फिर। अच्छा, और मोदी जी के साथ जो होते हैं वो? हमें तो लूटा है अपनों ने, गेरों में कहा दम था। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा अखंड भारत क्या पूरे संसार में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। पूरे संसार मोदी जी जी चल रहे हैं, पूरे संसार में मोदी जी हो जाएंगे, पूरा संसार में। अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम हुआ? नाम हमारा फैजी नाम है। फैजी 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 मुंबई से है ये। कहाँ से है? यहीं है, यहीं से है। किसका माहौल है इस बार? माहौल तो देखिए, माननीय मोदी जी काशी के हमारे सांसद हैं और प्लस प्रधानमंत्री हैं, और काशी से कम 5 लाख वोटों से मोदी जी 5 लाख वोटों से यहां से जीतेंगे। 5 लाख वोटों से एक बार हम आपको बता देंगे। इन्होंने सवाल पूछा आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट, मेरा वोट जो है मोदी जी को जाएगा, मोदी जी को जाएगा। हाँ, कह रहे बता रहे हैं क्यों, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी भागना मत। इनसे पूछिए कि ये भाजपा से कब से जुड़े हैं? कब से जुड़े भाई साहब? नहीं जुड़े हैं। देखिए, जब 82 सन 84 में जब जनसंघ दीप था, उस वक्त मेरे बाबूजी जो है जनसंघ के मेंबर थे। अच्छा, ठीक है। और हमारे चाचा जी सैयद इतरत हुसैन भाजपा के महामंत्री भी थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के, और अभी मौजूद मुस्लिम में जी, मुस्लिम है। अच्छा, और मुस्लिम भाई इस बार मोदी जी को देख रहे हैं? देगा, एकदम देगा। तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे फिर? अरे तो एक बात बताइए, कोई चुनावा नहीं लड़ेगा? लड़ेगा ना। तो अगर मान लीजिए 13 के पहले मोदी जी आए, अब 24 के बाद राहुल जी आ रहे हैं, तो अगर आ रहे हैं राहुल जी लड़ रहे हैं चुनाव, कहने का मतलब पहलवान अखाड़े में दो रहेंगे ना कि सिंगले रहेगा? अभी तक तो पहलवान डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। हो जाएगा ना, दूसरी तरफ का हो जाएगा। अभी 10-15 साल अभी रुके, अभी इसके अलावा प्रधानमंत्री बनेंगे कौन ये बताइए? माननीय मोदी जी, मोदी जी बनेंगे पक्का है? एकदम पक्का है, 100%। एकदम। मुस्लिम भाई किस लिए साथ है? क्या क्या क्या? हर हर महादेव। मुस्लिम भाई हर हर महादेव। ये हम लोग एक साथ खाते हैं, ये गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ बनारस की गंगा जमुना की। एक मिनट, ये मोदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आंध्रा से विजयवाड़ा में आते प्रधानमंत्री मोदी जी, जय श्री राम बोलो, 100% ये गुंडू देता, हम ये गुंडू देता, ये देश ये गुंडू देता मोदी जी, 100% आंध्रा में मोदी जी प्रधानमंत्री।
कह रहे रोजगार नहीं, क्या रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला, मुद्रा मिला उससे रोजगार करने के लिए मिला, मगर रोजगार नहीं मिला। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं तो कहीं गलत भी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपने इनको बोला मुस्लिम है ये, तो ये बनारस की तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब है, ये हमारी और आपकी गलत सोच है कि यहाँ गलत सोच की बात नहीं है। बात है कि कांग्रेस वाले कहते हैं, आग लगाते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम किनारे किनारे रास्ता ट्रैफिक ना हो। कांग्रेस वाले कहते हैं ना, भाजपा वाले नहीं ना करते हैं, तो इसलिए हमते तो है सब मुस्लिम भी नाराज रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, भाजपा वाले हिंदू अंदर बटन सब उसी को दबाएंगे, बाहर क्या है कुछ भी लड़ाई करा देंगे। बाढ़ वाले बीजेपी के वोटर नहीं है, हम लोग 84 के वोटर है। 84 हाँ, आइए जो नए नए आए हैं 14 के बाद ना, उसमें के नहीं, अभी हमने आपको बताया है, इतिहास हमें बताया है हमने। और अभी अभी राज्यसभा सदस्य है, सुनिए, राज्यसभा सदस्य है डॉक्टर चांद अब्बास, आप जानते होंगे भाजपा से अल्पसंख्यक के, तो हम लोग 14 के बाद वाले बीजेपी के वोटर नहीं है। हमारे बाबूजी जनसंख्या क्या लगा कि बीजेपी से जुड़ गए? अब जुड़े हैं, हमारी सुनवाई होती है, सुनवाई होती है। वो तो कहते हैं मुस्लिम की सुनती नहीं, वो अपना अलग अलापा कर ले जाता, भी कहते हैं भाईचारा बिगाड़ रखा है। वो लुंगी और टोपी वाले जो है उड़ी जाएंगे। अब आबाद में काशी विश्वनाथ मंदिर बनना चाहिए, काशी विश्वनाथ मंदिर बनना चाहिए, बंद तो गया नाम मंदिर बन गया, अब फिर जो है क्या नाम हुआ? मोनू है, मोनू। मोनू जी कहाँ से? बनारस से। क्या नाम हुआ पूरा? मोनू कुमार वर्मा। मोनू कुमार वर्मा। वर्मा जी क्या माहौल है इस बार बनारस? मोदी बस, मोदी बस, बस मोदी। क्यों बस मोदी? मोदी जी, अरे है ये है वही, और कौन है? क्या हुआ ऐसा? कौन है? अरे बहुत है हमारे लिए, वो बहुत है, उनके अलावा कोई नहीं है, उनके अलावा कोई कोई नहीं, कोई नहीं, बस मोदी गांधी है। अरे छोड़ी, हटाइए उसका, क्या बात कर, छोड़ दे, अरे हटा दे, एकदम हटाइए। क्यों हटा दे? अरे एकदम हटा दिए, वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना। कौन बोल दिया आपसे? कौन बोला? अरे कौन बोल, शादी तो हो जाए तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। शादी होने से और प्रधानमंत्री बनने से क्या लेना? जब उनका शादी नहीं होगा तो प्रधानमंत्री बनेंगे का? ऐसे कैसे नहीं बनेंगे ना, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आप लोगों को तो मालूम है यहाँ का सांसद और प्रधानमंत्री कौन बने? सब बेकूफ है भैया, योगी मोदी बस, योगी मोदी बस और कोई नहीं। बाकी कहाँ गए जिनका गठबंधन? छोड़ दीजिए, जाने वो लोग भैंस चराने हो जाए, भैंस चराने हो जाए, हाँ हो जाए अमेरिका। हाँ क्यों क्यों करेंगे क्या, रह के करेंगे क्या इन लोग? हो सकता है सरकार बना ले, कुछ नहीं बना पाएंगे भैया। आप क्या कह रहे हैं, इज्जत बच जाए वही में बहुत है, इज्जत बच जाए वही बहुत। हाँ जय श्री राम। ऐसा क्या कर दिया मोदी योगी ने कि मोदी योगी हो रहा है भैया? अरे भैया इस रोड पे आप बरसात में चलने के लायक नहीं थे, पूरे बनारस में। अब यहाँ पे लोग बरसात में लोग दुकानें लगा रहे हैं, यहाँ एक इंची पानी नहीं लग रहा है, समझ गए? अब इससे ज्यादा डेवलप क्या चाहिए? लोग अब लोगों के घर में पेंट हो रहा है फ्री में, बनारस के अलावा भी कहीं हुआ है? क्यों नहीं, अरे पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है भैया, हिंदुस्तान में। हाँ पूरे हिंदुस्तान घूमे नहीं है बाकी, हो तो कह रहे हैं मोदी जी ने देश बेच दिया है। कौन कह रहा है? अरे राहुल गांधी कहते हैं, उसे खुद ही बेच, अडानी अंबानी को बेच, अरे वो सब अपने आप को खुद ही बेच चुके हैं, दूसरे के बारे में बदनाम कर रहे हैं, दूसरे के बदनाम। जो अडानी अंबानी के लिए रहते हैं, अमीरों की सरकार है, जिसको बिक्री का सेल मालूम होता है वो दूसरे को बदनाम करता है। अच्छा, जिसको सेल मालूम रहता है वो दूसरे को बदनाम जी। हाँ राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं तो क्या करेंगे इन लोग? इन लोगों के पास कुछ है ये नहीं, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, ये सब करेंगे क्या? क्या भैया बता दीजिए पूरा, तो बता ये बताया अभी जो आप पूरा बोलेगा, क्या बोले थे, क्या बताइए, क्या क्या बोले अभी, ये कुछ बोले कि पूरा कर दीजिए उसको? तो बोले तो ना आगे नाथ ना पीछे पगा, न उनके परिवार में कोई सुखी है, न उस सबके परिवार में है, तो सो लोग तो उस सब तो चाहिए करेंगे कि हम लोग सुखी नहीं है तो दूसरे को भी दुखी करो, दूसरे को बदनाम करो, दूसरे का। जनता किसको देख रही है बनारस की प्रधानमंत्री इस बार? जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान देख रही है मोदी जी को, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान। राहुल गांधी को कहाँ देख रहा है? कौन पसंद करेगा भैया उसको? क्या भैया? इटली में, इटली में, इटली से आया, इटली जाएगा वो। क्यों इटली क्यों जाएंगे? कुछ आता ही नहीं तो इटली जाएगा, उसने वहाँ कुछ नहीं सीखा और यहाँ कुछ नहीं सीखा तो कहाँ जाएगा भैया? वो तो कह रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं वो। अरे पप्पू लोग प्रधानमंत्री बनते हैं क्या? पप्पू है, कौन कह रहा है पप्पू है? 50-50 चांस है,
50-50 चांस है, 50-50 को देखिएगा आप, 4 तारीख आएगा देखिएगा आप, 50-50 चांस है। कांग्रेस 50% सीट पे चुनाव लड़ भी रही, लेकिन आएगी ना, गठबंधन है ना, गठबंधन है कि नहीं है, गठबंधन है कि नहीं सीटों पर, तो यूपी में चुनाव, यूपी की बात, यूपी में भी अखिलेश यादव है ना, 35-40 सीट आएगी, 35-40 सीट यूपी में, 35 में, हाँ लिख लीजिए, फिर मिलेंगे यहीं पे हम, हाँ पक्का है, पक्का है, 35-40 33 कर रहे, 33 केवल 3 की, 33 35-40 जबरी है, लोग बतिया रहे, कोई मतलब नहीं है, समय हमारा आपका खराब होगा इन लोग से बात करने का, हाँ इसलिए कि जितना इन्हीं को है, चाहे वो 35 सीट लाए या 84 सीट लाए, 35 सीट ला के सरकार बना लेंगे इंडिया का, हम ये नहीं कह रहे सरकार बना ले, हम कह रहे हैं कि 50 प्रधानमंत्री, हम कह रहे 50-50 चांस है, वो तो सीट भी 50, जब इंडिया गठबंधन का सीटें आएंगी तो भी वो फैसला होगा कि कौन कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, पहले से डिसाइड नहीं होता है, अभी मोदी जी की तो थोड़ी है कि ये चेहरा है तो इन्हीं को दिखा दें, तो वो तो दिखा भी नहीं रहे कोई चेहरा, किसको किसको बनाएंगे, समय आएगा वो भी, ममता बनर्जी क्यों नाम क्यों अरविंद, क्यों नहीं, क्यों नाम लिया जाएगा, नाम क्यों नहीं जाएगा, कोई तो एक चेहरा होगा, कोई एक मुखिया होना चाहिए ना, नहीं 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 कोई एक मुखिया, एक अकेला मोदी शेर खड़ा है, इसीलिए हनुमान चालीसा बढ़ा रहे लोग, एक अकेला मोदी शेर खड़ा है, मैं भी बंगाल से रहता हूँ, बंगाल से आया हूँ, ममता बनर्जी भी चाह रहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल चाह रहे मैं एक प्रधानमंत्री बनूं, श्रीमती सोनिया गांधी चाह रही है कि अपने बेटे के पछवाड़े में 1 घंटे के लिए भी प्रधानमंत्री की कुर्सी सटा लूं, बट ऐसा होने वाला कभी नहीं है, बनेगा कौन फिर प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, क्यों मोदी क्यों, क्योंकि उन्होंने, अरे मोदी तो डर रहे हैं विपक्ष से, विकास किया है, विकास का काम किया है, बनारस में देखिए, ऑल ओवर इंडिया में देखिए, हमारे बंगाल में देखिए, विकास का काम हुआ है, बंगाल में तो ममता दीदी है, नहीं जो सेंट्रल लेवल का काम होता है, गरीबों को जो घर मिल रहा है, जो बाथरूम लेटरिंग पे खाना मिल रहा है, वो कौन दे रहा है, मोदी सरकार दे रही है ना, एकदम दे रही है, कह तो रहे हैं मोदी डरते हैं, विपक्ष से डर गए, ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, आखिर और लोगों के पीछे क्यों नहीं लग रही है, जो खाएंगे आग तो हंगेगे अंगारे ना, यस, जो गुड़ खाएगा वही ना कान छिदवाएगा, भैया आपके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं, मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं, और इतने सारे व्यापारी भाई लोग हैं उनके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं, ऋषि भाई इनके ही पीछे क्यों पड़ रही है, वही तो दिक्कत हो रही है, बस कि आप खाओगे आग तो हगोगे अंगारे ना, बस वही है, वही बात है, एकदम अब की बार 400 पार, डर गए हैं इस बार मोदी, वो तो 4 जून को पता चलेगा ना, कहने का कोई कुछ भी कह ले, वो 4 जून को पता चलेगा, एकदम पता चलेगा, गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे, ममता बनर्जी नहीं, ओनली वन नरेंद्र मोदी अकेला, ओनली वन नरेंद्र मोदी, यस, क्यों भैया नरेंद्र मोदी क्यों, उसने आप में या मोदी का आवाज चल रहा है, मोदी का आवाज चल रहा है, थोड़ा और कर दो भैया, पसीना जा रहा है, वो पसीना ही गाबने के लिए कह, सबको ठंडा कर देगा जितना मिला है पीछे पीछे, सबको ठंडा कर देगा, बुखार खलदा है पूरा, बुखार में छा जाएंगे सब, अभी बुखार दिए ना एक दिन, एक दिन और बुखार पीछे वाले खड़े हैं वो भी बुखार देंगे, अभी सब बुखार उतर जाएगा सबने का, सबका बुखार उतर जाएगा।